तमाम देखने वाले दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, प्यारा सा कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, मेरी एक बहुत अच्छी यूट्यूबर, मेरी दोस्त, मेरी बहन, बहुत ही अच्छी हैं और महरीन, उनका नाम है राबील फैमिलीज ब्लॉग के नाम से उनका चैनल है, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप देख लें उनकी वीडियो का। मैंने अभी उनकी वीडियो देखी और मैं उन्हें व्हाट्सअप पर मैसेज करने ही वाली थी कि काफ़ी टाइम हो गया उनकी कोई वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। इत्तेफाक से उनकी वीडियो आ गई और मैंने उनकी वीडियो देखी और वो इतना शदीद रो रही थी उस वीडियो में, मुझे बहुत दुख हुआ। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है माँ क्या चीज़ होती है और मेरी वालदा नहीं है तो मुझे इस तकलीफ़ का बहुत अच्छे से एहसास है। मैं भी इस तकलीफ़ से गुजरी हूँ और उनको इस तरह रोता देख, और आप यकीन करें मुझसे खुद ही रहा गया, मुझे खुद इतना रोना आ रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, बस अल्लाह पाक किसी को ऐसी तकलीफ़ ना दे, ऐसा दुख ना दे, सबके सरों पर उनके माँ बाप का साया सलामत रखे। माँ बाप क्या चीज़ होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, जिनके नहीं हैं उनसे पूछें। और बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप यकीन करें मैं इस वक्त ये वीडियो बना रही हूँ लेकिन आप जो मेरा जो उनका दुख है वो मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि इस दुख से मैं भी गुजरी हूँ। और बस यही आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इल्ती जाए कि आप सब लोग दुआ करें कि उनकी वालदा जल्द से सेहतियाब हो जाएँ, अल्लाह पाक उन्हें बरकत वाली ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और महरीन की अम्मी का साया उन पर हमेशा सलामत रखे। और बस जल्द से जल्द वो ठीक होकर घर पर आ जाएँ ताकि वो उनके साथ फिर से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हंसने मुस्कुराने वाली ज़िंदगी गुजारें, खुशियों वाली ज़िंदगी गुजारें। तो प्लीज़ जो जो जहाँ जहाँ मेरी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग उनसे दुआ करवाएं, वो इस वक्त आईसीयू में हैं जैसे कि आपने खुद उनकी ज़बानी सुना है। तो बस यही कहना चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए, एक छोटा सा मैसेज है जो आप लोगों तक मुझे पहुँचाना था। और मैंने पर्सनली महरीन से कहा था कि मैं तुम्हारी अम्मी के लिए दुआ करवाऊँगी। वो ज़ाहिर है सिर्फ उसी की अम्मी नहीं, वो हमारी भी अम्मी है जिसकी सबकी ही वालदा हैं। ये समझ लीजिए अगर सब अपना दुख एक जैसा सबको लगना चाहिए, अपना दुख देखते हुए ही आप समझ लें कि जिस तरह बस हमारी वालदा बीमार होती है तो हम तड़प से जाते हैं उनके लिए दुआ खैर करते हैं, तो इसी तरीके से आप भी दुआ करें और बस अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज़ जल्द से रिहाई अता फरमाए, आमीन आमीन। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।